मोदी जी का नारा है ना, एक अकेला सब पे भारी पड़ रहा है, वो मोदी जी फिर भारी पड़ेंगे 2024 में, चाहे कुछ भी हो जाए मोदी जी जीत के आएंगे, भारी पड़ेंगे इस बार। हाँ, फुल चांस है कि विदेशों में देखो, विदेश में जो जो इज्जत बढ़ी है, आज से पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था कि किसी देश के प्रधानमंत्री को भी पैर छुए या उनको बॉस कह के पुकारे, ऐसा ऑस्ट्रेलिया के पीएम ने किया, पापुआ न्यू गिनी के पीएम ने पैर छुए थे नरेंद्र मोदी जी के, तो बड़ी बात है। कल जब कल मोदी जी गए हैं अमेरिका, तो वहाँ पे उनसे बहुत सारे लोग मिलने आए हैं, लोग वहाँ पे कहते हैं कि भारतीयों की इज्जत बहुत बढ़ चुकी है, पहले से बहुत ज़्यादा हो गई। अब गांधी भी अमेरिका में जाकर ये बात बोलते हैं कि देश में कोई काम नहीं हुआ 9 साल में, देश 20 साल पीछे चला गया है। वो तो अपनी अपनी पॉलिटिक्स करने चाहते हैं, खाली वो अपने बारे में बताना चाहते, देश की बेइज्जती करके आते हैं बाहर, बाहर जब भी जाते हैं देश की इज्जत खराब करके आते हो। नरेंद्र मोदी इज्जत बना के आते हैं, वो बेइज्जती करके आते हैं राहुल गांधी जी, उनको जाना ही देना, जाना ही देना चाहिए। अब जिनको मौका मिला है वो काम कर रहे हैं तो वही आएंगे ना पावर में। कह रहे हैं कि इस बार कांग्रेस सत्ता में वापसी आने वाली है महागठबंधन के साथ मिलकर, ऐसा उनके ख्वाब है, शायद पूरे ना हो पाए। मोदी जी ही रहेंगे जब तक है मोदी जी, जब तक देश चलेगा, राहुल गांधी के आने पे देश तबाह हो जाएगा जैसे पहले हो गया था। मैं एक यूथ होने के नाते जानता हूं कि मोदी जी ही दोबारा वापसी करेंगे और पूर्णतः वही अपनी केंद्र में सरकार बनाएंगे। राहुल गांधी तो कहते हैं मैं युवा नेता हूं कांग्रेस का, मेरे को समर्थन दो, ऐसा कहने से नहीं कह सकते हम कि युवा नेता हैं, क्योंकि हम भी युवा हैं, लेकिन हमारा समर्थन पूरी तरह से हम मोदी जी का समर्थन करते हैं। इसके लिए मेहनत करना होगा, या हम सोशल मीडिया पर बैठ के बात करें बिना मेहनत के हमें रोजगार मिल जाए? क्या हम जब मोदी जी नहीं थे तो उससे पहले क्या हम गवर्नमेंट जॉब करते थे? ऐसा नहीं है। क्या लग रहा है फिर प्रधानमंत्री कौन बनेगा इस बार? नरेंद्र मोदी जी, फुल चांस है। गठबंधन में चांस ही नहीं है, वो लोग इकट्ठे हो ही नहीं सकते, कुछ भी हो जाए। वो तो हो रहे हैं ना, मिलने वाले महीने के एंड में, वो कहने की बात है, वो नहीं हो पाएंगे। कोई भी चांस, क्योंकि राहुल गांधी जो कहते हैं उनकी कोई बात सुनता है नहीं, RGD अलग ही अपना राग अलापती है, या SP BSP हो गई, वो सब अलग है, उस टाइम पर अलग हो जाएंगे 2024 में। नीतीश कुमार अब सबको एक साथ बुला रहे हैं, कह रहे हैं महागठबंधन बनाएंगे इस बार और सत्ता से हटाकर फेंक देंगे भाजपा को। वो नहीं कर सकते, जो मोदी जी का नारा है ना, एक अकेला सब पे भारी पड़ रहा है, वो मोदी जी फिर भारी पड़ेंगे 2024 में, चाहे कुछ भी हो जाए मोदी जी जीत के आएंगे, भारी पड़ेंगे इस बार। हाँ, फुल चांस है कि विदेशों में देखो, विदेश में जो जो इज्जत बढ़ी है, आज से पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था कि किसी देश के प्रधानमंत्री को भी पैर छुए या उनको बॉस कह के पुकारे, ऐसा ऑस्ट्रेलिया के पीएम ने किया, पापुआ न्यू गिनी के पीएम ने पैर छुए थे नरेंद्र मोदी जी के, तो बड़ी बात है। कल जब कल मोदी जी गए हैं अमेरिका, तो वहाँ पे उनसे बहुत सारे लोग मिलने आए हैं, लोग वहाँ पे कहते हैं कि भारतीयों की इज्जत बहुत बढ़ चुकी है, पहले से बहुत ज़्यादा हो गई। अब राहुल गांधी कहते हैं कि इस बार सत्ता में कांग्रेस वापस आएगी क्योंकि मोदी जी ने 9 साल में कोई काम नहीं किए किए इतने सारे काम, कि जनधन योजना लेके आए हैं, किसान निधि योजना लेके आए हैं, कौशल विकास योजना, आयुष्मान भारत योजना, ऐसी बहुत सारी योजनाएं जो लेके आए हैं, जिससे भारत को बहुत लाभ पहुंचा है, भारत की स्थिति बहुत सुधरी है, भारत की अर्थव्यवस्था 2014 में 11वें स्थान पे थी, आज 5वें स्थान पे है। तो और ये भी तब हुआ जब कोरोना काल था, उस टाइम में कर पाना बहुत बड़ी बात है। अब बात होती है दिल्ली के सरकारी स्कूलों की, जब अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि अमेरिका भी हमारा मॉडल कॉपी कर रहा है, दिल्ली एजुकेशन टॉप पर है, क्या लगता है आपको दिल्ली एजुकेशन में जो उन्होंने काम किया है बहुत बढ़िया कर दिया अरविंद केजरीवाल ने? देखिए, बिल्डिंग बनाने से कुछ नहीं होता है, बिल्डिंग तो बना देंगे लेकिन पढ़ाई नहीं होगी तो क्या फ़ायदा, टीचर्स नहीं होंगे स्कूल में क्या फ़ायदा, बच्चे लड़ते रहते हैं या बच्चों की पढ़ाई नहीं होती, जो कोचिंग खुलते हैं वो क्यों खुलते हैं? ये स्कूल में पढ़ाई नहीं होती इसलिए बच्चे कोचिंग में जाते हैं, उन्होंने जो स्कूल सही किया वो एक दो ही हैं, पैसा प्रतिभा हो गया वो तो पहले से सही था, उनको क्या उन्होंने सही किया? जो स्कूल बने उसमें ना टीचर्स हैं ना ठीक से पढ़ाई होती है, और कुछ पूछते भी टीचर गुस्सा कर देते हैं, या टीचर की कमी, एक टीचर पर तीन या चार टीचर्स का काम होता है, जो आसान नहीं है किसी के लिए एक फर्ज इतना फर्क काम कर पाना। अमेरिका की टीम आ रही है हमारा एजुकेशन मॉडल देखने, अमेरिका कॉपी कर रहा है दिल्ली एजुकेशन मॉडल की, वो प्रतिभा को देखने आए होंगे या किसी और बढ़िया को देखने आए होंगे, पटेल नगर में जाकर देख लो वहाँ पे स्कूल का क्या हाल है, और पहले क्या था आज भी क्या है, वैसे ही बेकार है सब। चमचमाते हॉस्पिटल्स बनवा दिए दिल्ली की, जो हेल्थ केयर है उसे नंबर वन पर ले गए हम, हेल्थ केयर उन्होंने फ्री दवाई तो दे रहे हैं लेकिन इतनी भी सही नहीं जितनी होनी चाहिए थी, लोग इलाज नहीं हो पाते हैं सही से गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, फिर लोग प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं, उनको ज़्यादा अच्छा लगता है प्राइवेट हॉस्पिटल जाना क्योंकि ठीक से इलाज हो पाता है, ठीक से इलाज। अच्छा, एक बात बताइए, जब बात होती है दिल्ली को लंदन पेरिस बनाने की, अब राजस्थान में चुनाव आने वाले हैं, उससे पहले कह रहे हैं कि हम दिल्ली मॉडल को पूरे देश में देना चाहते हैं, मेरे पास प्लान है कि मैं देश को नंबर वन कैसे बनाऊं, क्या लगता है अरविंद केजरीवाल के पास कोई प्लान है देश को नंबर वन बनाने का? कोई प्लान नहीं है। लंदन पेरिस क्या बनाएंगे, यमुना को देख लीजिए इतनी गंदी हो रही है यमुना एकदम काला काला पानी हो रहा है, वहाँ पे लोग फिर भी कुछ लोग नहाते हैं। कोई प्लान नहीं है नरेंद्र मोदी के पास भारत को विकसित देश बनाने का? मेरे पास प्लान है, मैं 10 साल में भारत को विकसित देश बनाऊंगा और इंडिया को नंबर वन पर लेकर जाऊंगा। विकसित देश नहीं
बनाएंगे लेकिन श्रीलंका जरूर बना देंगे, फ्री फ्री वो बांटते रहते हैं, फ्री बिजली फ्री पानी। अब दिल्ली जल बोर्ड को देखिए घाटे में चले, दिल्ली बिजली विभाग घाटे में चल रहा है, सब घाटे में हो गया जो पहले फायदे में हुआ करता था, आजकल इनके तरफ घाटे में हो रहा है, वो फ्री बिजली देने के नाम पर आ रहे हैं। लोगों को अभी सही लग रहा है लेकिन फ्यूचर में इसका बहुत नुकसान होना है। राजस्थान चुनाव से पहले वादा करते हैं कि राजस्थान में भी 300 यूनिट बिजली में फ्री दूंगा, 24 घंटे बिजली आएगी राजस्थान में, क्या राजस्थान की जनता चुनेगी अरविंद केजरीवाल को? उनको नहीं चुनेगी, उनकी वजह से और जगह भी राजनीति खराब होते जा रही है, हर कोई फ्री फ्री बांटने लगा है। एक 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 गंदा कीड़ा पूरी पूरे 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 तालाब को गंदा कर सकता है, वही केजरीवाल जी कर रहे हैं। दिल्ली फ्री दे रहे हैं और राज्य ऐसे करने लगे, इससे नुकसान होगा, देश का कोई विकास नहीं होने वाला ऐसी चीज़ों से। राहुल गांधी भी अमेरिका में जाकर ये बात बोलते हैं कि देश में कोई काम नहीं हुआ, 9 साल में देश 20 साल पीछे चला गया है। वो तो अपनी अपनी पॉलिटिक्स करने चाहते हैं, खाली वो अपने बारे में बताना चाहते, देश की बेइज्जती करके आते हैं, बाहर जब भी जाते हैं देश की इज्जत खराब करके आते हैं। नरेंद्र मोदी इज्जत बना के आते हैं, वो बेइज्जती करके आते हैं राहुल गांधी जी, उनको जाने नहीं देना चाहिए। अब तो आतिशी मार लेना है जो आम आदमी पार्टी की शिक्षा मंत्री है, वो भी अमेरिका गई हुई है, वो भी ये बात बोल रही है कि भारत में 35 करोड़ लोग डेली भूखे सोते, एक बहुत बड़ा आंकड़ा दे रही है 35 करोड़ का। 35 करोड़ कुछ नहीं कर सकते, वो खाली अपनी पॉलिटिक्स कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी को हराने की कोशिश करने के लिए कुछ भी करे जा रहे हैं, जो नहीं करने चाहिए वो चीज़ें भी कर रहे हैं, जिससे देश की बदनामी होती है उनकी वजह से। क्या लग रहा है फिर 2024 में कौन बाजी मारेगा? आई थिंक मोदी जी। क्या कारण है? क्योंकि उन्होंने बहुत सारे अच्छे काम करे हैं, जैसे 370 आर्टिकल का वो हटाया था जम्मू एंड कश्मीर से, जिससे कि बाकी इश्यूज सॉल्व हो गए काफ़ी हद तक। लोग कहते हैं आम जनता का क्या फ़ायदा होगा अगर 370 हट गया तो? इससे बहुत फ़ायदा होने वाला है, कंट्री की ग्रोथ देखी जाए तो हम 11th नंबर पे थे जब मोदी जी आए थे, अब GDP हमारी 5th नंबर पे, तो कितना फ़ायदा किया है, और हमारी जो कंट्री के मतलब हमारी कंट्री के रिलेशंस बाकी कंट्रीज के साथ बहुत अच्छे कर दिए हैं। राहुल गांधी कहते हैं देश में पिछले 9 सालों में कोई काम नहीं हुआ, देश 20 साल पीछे चला गया, कोई तरक्की नहीं कर पा रहा हमारा देश। देखा जाए तो उन्होंने कुछ नहीं किया था, उन्होंने लास्ट इतने साल उनके पास थे, वो करना चाहते तो कर सकते थे, अब मोदी जी आए हैं तो उन्होंने हमारी कंट्री की GDP वगैरह इतना ग्रोथ किया है, रिलेशंस को बढ़ाया है, तो देखा जाए तो उनकी गलती है, उन्होंने पहले काम नहीं किया इसीलिए उनको हटाया गया, अब जिनको मौका मिला है वो काम कर रहे हैं तो वही आएंगे ना पावर में। कह रहे हैं कि इस बार कांग्रेस सत्ता में वापसी आने वाली है महागठबंधन के साथ मिलकर, ऐसा उनके ख्वाब है, शायद पूरे ना हो पाए, शायद ख्वाब ही रह जाए उनके। अच्छा करेंगे तो हो सकता है जनता वापस ले आए। क्या राहुल गांधी का ख्वाब ही रह जाएगा प्रधानमंत्री बनने का? जी बिल्कुल। क्यों भैया, क्या कारण लग रहा है? जाएगा क्योंकि जो पार्टी सत्ता में आ रही है वो अपने कामों की वजह से आती है, और मैं एक यूथ होने के नाते जानता हूँ कि मोदी जी ही दोबारा वापसी करेंगे और पूर्णतः वही अपनी केंद्र में सरकार बनाएंगे। राहुल गांधी तो कहते हैं मैं युवा नेता हूँ कांग्रेस का, मेरे को समर्थन दो। ऐसा कहने से नहीं कह सकते हम कि युवा नेता हैं, क्योंकि हम भी युवा हैं, लेकिन हमारा समर्थन पूरी तरह से हम मोदी जी का समर्थन करते हैं, और उन्होंने जो भी योजनाएं, वो जब से वो आए हैं सत्ता में उन्होंने लगातार वो अच्छे काम कर रहे हैं, उन्होंने काफ़ी युवाओं के लिए योजनाएं लाई हैं। रोजगार मिला, रोजगार के मुद्दे पर लगातार सरकार को घेरा जाता है कि रोजगार नहीं दे रहे युवाओं को। सर इसके लिए तो रोजगार के लिए हम सोशल मीडिया पर बैठकर तो बात नहीं कर सकते, इसके लिए मेहनत करना होगा, या हम सोशल मीडिया पर बैठ के बात करें बिना मेहनत के हमें रोजगार मिल जाए? क्या हम जब मोदी जी नहीं थे तो उससे पहले क्या हम गवर्नमेंट जॉब करते थे? ऐसा नहीं है, लेकिन जो लोग वो तो एक मुद्दा बना लिया है कि रोजगार नहीं है। सरकार ने वादा किया था कि 2 करोड़ रोजगार हर साल सरकार निकालेगी, दे रही हैं, बिल्कुल दे रहे हैं, 2 करोड़ रोजगार मिल रहे हैं, नहीं बिल्कुल दे रहे हैं, लेकिन उसके लिए काबिलियत होना चाहिए। जो ले रहा है रोजगार के बातों से रोजगार नहीं मिलेगा, या सोशल मीडिया बैठकर हम के बातें कर रहे हैं उससे हमें रोजगार मिल जाएगा, हमें पूरी तरह मेहनत करनी पड़ेगी उसके बाद रोजगार मिलेगा। हम देख रहे हैं जैसे कि पॉपुलेशन लगातार बढ़ रही है, तो पॉपुलेशन को देखते हुए रोजगार में काफ़ी कंपटीशन बढ़ गया है, तो मैं उसी तरह से मेहनत पर भी अपना पकड़ बनानी होगी और मेहनत ज़्यादा करनी होगी, तभी रोजगार पा सकेंगे, वरना हम ये सब ख्वाब देख सकते हैं कि मतलब हमें नौकरी मिल जाए। सरकार नौकरी दे पा रही है युवाओं को, आप भी यूथ है, क्या लगता है रोजगार मिल पा रहा है कि इस में सरकार फेल होती नजर आ रही है? नहीं, रोजगार तो सब मिल रही है, बस जिस अच्छा रिस्पॉन्स वो नहीं मिल रही ज़्यादातर रोजगार, और जो अच्छा मेहनत लगेगा उसे तो मिलेगा ही मिलेगा। क्या लग रहा है फिर इस बार मोदी जी रिपीट हो पाएंगे 2024 से, हैट्रिक होगी? हाँ हो जाएगी, आराम से बड़े प्यार से हो जाएगी, बड़े प्यार से हो जाएगी। हाँ सर। क्यों, क्या कारण है? वो बहुत ही अच्छे जनता उनके साथ है, हम तो बचपन से उनके साथ है, जब से देख रहे वही आ रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रही है, पूरा सपोर्ट है उन्हें। एक महागठबंधन बना लिया, सारी विपक्षी पार्टियां जो हैं एक साथ आ गई हैं, कह रही है सत्ता से हटाकर फेंक देंगे भाजपा को, लग रहा है हो पाएगा ऐसा? नहीं नहीं, बोलने से कुछ नहीं होता, बस बात यही है बड़ी बड़ी। क्या कर पाए महागठबंधन की, क्या बिसात लगती है, हरा पाएंगे प्रधानमंत्री को? नहीं हरा पाएंगे बिल्कुल भी, जैसे कि अभी इन तीनों ने बोला और हम भी यही बोल रहे हैं कि
मोदी जी ने जो इतना कुछ किया है हमारे लिए, तो ऑब्वियसली मोदी जी ही आएंगे और वही जीतेंगे। और उन्होंने कितनी सारा कुछ किया है हमारे लिए, ऑब्वियसली मोदी जी को तो कोई हरा ही नहीं सकता। दिल्ली के मुख्यमंत्री है अरविंद केजरीवाल, वो स्टेटमेंट देते हैं कि भारत में 22 साल में नरेंद्र मोदी ने इतना काम नहीं किया जितना दिल्ली में मैंने 8 साल में कर दिया, वो कह रहे हैं। नहीं, इतना उन्होंने कुछ किया ही नहीं है जितना मोदी जी ने करे, वो तो सिर्फ बोलते ही रहते हैं और मोदी जी तो आपको पता करके ही दिखाते हैं। वो कहते हैं हमने शिक्षा का स्तर बहुत अच्छा कर दिया, हमारे स्कूल देखिए इंटरनेशनल लेवल के स्कूल हो गए। स्कूलों के बाथरूम ही चेक कर लो पहले, स्कूलों के बाथरूम देख लो और स्कूल देख लो कितने गंदे हैं। तो बस और मोदी जी ने बहुत अच्छा किया है, बहुत सारी फैसिलिटी करी है जिससे हमें बहुत ज़्यादा हमें अच्छा लगा, और मोदी जी ने बहुत कुछ किया है हमारे देश। रिपीट हो पाएंगे मोदी जी? हाँ जी बिल्कुल रिपीट होंगे। पूरा विपक्ष अब एक आ गया है, कह रहे मोदी जी को सत्ता में नहीं आने देंगे, इस बार तो हटा देंगे मोदी जी। नहीं, ऐसे कुछ नहीं है कहने की बात है, ये आगे तक तो मोदी जी ही रहेंगे। हाँ जी, क्योंकि उन्होंने इतना सब किया है तो वो कैसे ही हटेंगे। राहुल गांधी कैसा विकल्प होगा अगर देखा जाए प्रधानमंत्री के पद के लिए, कैसे लगेंगे राहुल गांधी? वो तो नहीं, पर जो है मोदी जी अच्छा कर रहे हैं तो वही हमारे देश के लिए रहेंगे, मतलब मोदी जी अच्छा। राहुल गांधी ने बोला है कि इस बार सत्ता में कांग्रेस आएगी, महागठबंधन के साथ मिलकर सत्ता में वापसी कर पाएगी कांग्रेस? नहीं, कांग्रेस नहीं सत्ता में वापसी कर पाई कांग्रेस, क्या लगता है? नहीं, वो तो हर साल बोलते रहते हैं, राहुल गांधी का तो यही नारा है, वो हर साल बोलती रहती है लेकिन अभी तक तो आ ही नहीं पाई। मोदी जी है हमेशा तक, वही रहेंगे अब तक। मोदी जी ही रहेंगे, बस मोदी जी ही रहेंगे जब तक है मोदी जी, जब तक देश चलेगा। राहुल गांधी के आने पे देश तबाह हो जाएगा जैसे पहले हो गया था। वो तो कह रहे हैं कि मोदी जी ने कोई काम नहीं किया, देश को बर्बाद कर दिया। ऐसे नहीं करा मोदी जी ने, इतने सारे काम करे हमारे लिए, यूथ के लिए एजुकेशन सिस्टम इतना अच्छा कर दिया है, सब कुछ अच्छा कर दिया है। बस अब मोदी जी बस फिर से आएंगे और आते रहेंगे, हर बार आएंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो हैं कह रहे हैं मोदी जी 22 साल में कोई काम नहीं कर पाए जितने मैंने 8 साल में करके दिखा दिए। तो कहने से थोड़ी ना कुछ काम होता है, मोदी जी कहते कम है, सब कुछ करके दिखाते हैं, अब उन्होंने सब कुछ करके दिखा दिया है। अब सरकारी स्कूलों के लिए बोलते हैं कि चमका दिया हमने सरकारी स्कूलों को, इंटरनेशनल लेवल पे चर्चा हो रही है हमारी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अब क्या स्कूलों की कंडीशन जाके देख कर आओ आप लोग, हम पढ़ते हैं हमें पता है कैसे अंदर से स्कूलों की कंडीशन, कैसी शिक्षा वगैरह होती है, अब वो कैसे वहाँ पे व्यवहार वगैरह होते हैं, क्या सुधार दिया? कुछ नहीं, बुक मिलती नहीं है। DU में हम पढ़ते हैं, अब दिल्ली सरकार में वहाँ पर हमें बुक टाइम टू टाइम मिलती नहीं है, फर्स्ट ईयर में लोगों को बुकें नहीं मिल रही, वहाँ पे इतना हंगामा हो रहा है, वो क्या? अमेरिका वाले चर्चा करते हैं हमारे एजुकेशन मॉडल की, अमेरिका वाले देखने आते हैं दिल्ली के एजुकेशन मॉडल को, क्या ऐसा हो सकता है कि अमेरिका आ रहा है दिल्ली का एजुकेशन मॉडल देखने, क्या इतना काम कर दिया अरविंद केजरीवाल? ऐसा कोई आइडिया नहीं है मेरे को कि अमेरिका वाले देखने आ रहे हैं। सरकारी स्कूलों की क्या स्थिति है? सरकारी स्कूलों की स्थिति ठीक ठाक है लेकिन उसको और सुधारने की ज़रूरत है अभी तो। युवा किसका साथ देंगे? युवा मोदी जी का ही साथ देंगे, क्योंकि देखो जब इनके जब कांग्रेस सरकार थी गांव में बिजली थी नहीं, अब मोदी सरकार ही तो गांव में बिजली आई, राम मंदिर किसी ने नहीं बनवाया, उन्होंने बनवाया, तो अब सर हिंदू वोट तो उनको ही मिलेंगे ना, जो राम का हम उनके, राम के मोदी जी हम उनके, बस मोदी जी का समर्थन करेंगे। यस, राहुल गांधी कह रहे हैं कि हम सत्ता में आने वाले हैं, भाजपा तो बहुत हिंदू मुसलमान कर रही है। देखो बोलने के लिए तो हर कोई बोलता है, बोलने के लिए तो शेर को हटाने के लिए भी बोलते हैं, वहाँ से शेर को कोई कुर्सी से थोड़ी ना हटाता है, जंगल से हटा देते हैं शेर को, बस ऐसे मोदी जी हैं, मोदी जी को कोई शेर हटा थोड़ी। महागठबंधन बना रहे हैं ना सब एक साथ आ रही, पूरा विपक्ष एक साथ आ रहा है कि सत्ता से हटाने वाले हैं भाजपा को। एक साथ तो पूरे जंगल के जानवर भी आ जाते हैं, शेर को कोई तो भगा नहीं सकता, तो बस यही बात है, नहीं भगा पाएंगे। नहीं, हैट्रिक होगी इस बार भाजपा। यस, अब 9 साल पूरे हो गए, 10 में से कितने नंबर देंगे सरकार को? पूरे 10 में से 10 देंगे। यस।